हाय फ्रेंड्स आज जिस आज इस वीडियो में जिस शेयर के बारे में बात करना है उसका नाम है कंपनी का नाम है लुमैक्स इंडस्ट्रीज ये ऑटो कंपन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है ऑटो कंपोनेंट जो लाइटिंग ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिक में प्रोवाइड करता है लाइटिंग मतलब जैसे फ्रंट लाइट हो गया रियर लाइट हो गया और जो भी इंटीरियर में लाइट रहता है ऑटोमोबाइल में पूरा जो लाइटिंग है वो मार्केट लीडर है जैसे जैसे आप देख पाते हैं सिक्सटी परसेंट मार्केट शेयर इस लोमार्क्स इंडिया का है ऑटोमोबाइल कंपनी में अगर इसका कस्टमर में चलते हैं देखिए कस्टमर उसका सभी ऑटोमोबाइल कंपनी टू व्हीलर में फोर व्हीलर में एक्स कमर्शियल व्हीकल में ट्रैक्टर एक्सपोर्ट भी होता है उसका तो ये सर बहुत सब बहुत सारा कंपनी इससे लाइटिंग जो है लेते हैं जैसे बल्ब हो गया सभी कुछ इससे लेते हैं तो ये कंपनी जो है एक बहुत बहुत ही अच्छा कंपनी है और उसका बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आ, जो ऑटोमोबाइल किसी का भी हो लाइटिंग का यूज तो इसी का कंपनी से मोस्टली होता है तो आगे भी बिजनेस इसका जो है वो रनिंग बिजनेस है आगे भी बिजनेस बढ़ता रहेगा अभी चलते हैं उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं ये उसका इनकम स्टेटमेंट है जो ई2021 एंड 22 मोस्टली कोरोना पीरियड था इसलिए प्रॉफिट डाउन था उससे पहले लगातार प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है 70 100 करोड़ के आसपास है 2021 22 इसमें कम हो गया फिर अभी इस साल भी प्रोजेक्टेड जो है हंड्रेड करोड़ के आसपास है ट्वेंटी टू में बीच में दो तीन साल को छोड़ के बाकी उसका हंड्रेड करोड़ के आसपास उसका प्रॉफिट है और जो रे, टोटल रेवेन्यू रेवेन्यूरली टर्न टर्न ओवर है करोड़ के आसपास है लगातार वो कांस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है और बहुत ही अच्छा कंपनी है मार्केट में उसका शेयर लीडर है वो अच्छा खासा उसका बिजनेस है

ज्यादा अपना स्टेक उसमें ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है इसका पोजिशन अच्छा है अभी चलते हैं उसका चार्ट के ऊपर चार्ट के देख सकते हैं इसका जो एक लो था वो तो थाउजेंड क्या थाउजेंड से नीचे शायद एट हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन नाइन हंड्रेड के आसपास अभी एक ब्रेक ब्रेकआउट दिया है अब पिछले जो हाई था सेवेंटीन उससे ऊपर अभी जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट किया है ये 1500 रुपए का जो था वो एक बार करेक्शन हुआ और सीधा 20 परसेंट का एक हाई एक ही बार में एक ही दिन में उछाल लाया फिर करेक्शन हुआ फिर 10 परसेंट का है अभी उसके ऊपर तो ये 1700 1700 ये जो रेंज है 1750 के रेंज से ऊपर जब जितना टाइम रहेगा हम उसको अभी होल्ड करेंगे इससे बीच में अगर करेक्शन होकर फिर पंद्रह सौ के आसपास आता है तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे वाच लिस्ट में रखेंगे पंद्रह सौ रुपया आएगा तो यहाँ परचेज करेंगे या सत्रह सौ से पचास से ऊपर रहा तो यहाँ से परचेज करेंगे इस रेंज में या ये सोलह सौ पचास इस रेंज में जब भी रहेगा हम उसको पर्चेस करेंगे पर्चेस करेंगे करके वेट स्टॉप लॉस सौ ये चौदह सौ फिफ्टी के आसपास देखे हम उसको वेट करेंगे क्योंकि आगे चल के ये और भी ऊपर ऊपर जो रेंज क्योंकि ये सत्रह सौ इधर ब्रेकआउट देने के बाद और भी चलेगा तो नेक्स्ट रेंज है उसका ढाई हजार के आसपास तो वहां तक भी धीरे धीरे ऐसे होके पहुंचेगा मार्केट अगर मार्केट में डाउनफॉल नहीं रहा तो ये ऊपर ऊपर की तरफ ढाई हजार का रेंज भी धीरे धीरे पकड़ेगा क्योंकि सत्रह सौ बाद दो हजार क्रॉस कर जाएगा यहां से अगर निकलेगा सत्रह सौ पचास का दो हजार आराम से क्रॉस कर जाएगा यहाँ से हम लोग उसको पोजिशन बना सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसको पोजिशन बनाना है यहाँ से बना सकता है छोटा सा स्टॉप प्लस देके या वेट कर सकता है पंद्रह सौ रुपए के अगर बाई चांस आए तो उसमें हम लोग पोजीशन बना लेंगे बना सकते हैं ये था आज के वीडियो में लुमक्स इंडिया जो इंडस्ट्री में काम करता है जिसको अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे अगर मुझे जो भी शेयर में लगेगा कि अपॉर्चुनिटी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको अगर पसंद आए तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप देख सकते हैं उसको आपके रिस्क के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा शेयर है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं थैंक यू